मेरी सो ना रहा हूँ मैं, वैसे ही कह रहा हूँ मैं तो उसके बाद स्टार्ट करूँ। शेयर करो यहाँ से क्लिक करके इनको ले आते हैं कि वीडियो छोटी कर ली थोड़ी सी, यहाँ से सेंटर से पकड़ के इसको ले जाते हैं अंदर, थोड़ा दिखना चाहिए जैसे जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी स्टूडेंट्स नहीं अभी तक आया, आई एम वेटिंग फॉर देम। साथ एंड ताहा, यू बोथ आर प्रेजेंट? यस मैम। टुडे इज द डेट इज 31st। Saad is present. Beta, say present. Present, ma'am. Taha. Present, ma'am. Taha, to lag raha hai mujhe so rahe hai awaaz.
क्या सीन है बच्चों, कोई न्यूज वगैरह पता चल रही है स्कूल ओपन होने की कि नहीं? अभी तक आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, कुछ कोई अपडेट है तो? मैम मैं तो यही सुन रहा हूँ कि 6th से लेकर 10th तक के स्कूल खुलेंगे 15 सितंबर से, बाकियों के अभी ये वाला सेशन मेरे ख्याल से खत्म कर देंगे। अच्छा, यानी कि वो 1 to 5 अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। 6 टू ऑनवर्ड 10th मतलब सीनियर स्कूल जो है मतलब बच्चे उस जाएंगे। अच्छा, वैसे अब तो टीवी पे कोई खास कोरोना का इतना नहीं दिखा रहे होते कि केसेस बढ़ रहे हैं, आज से वैसे शायद पता चले क्योंकि भरम हराम ठंड हुआ है, अब देखते हैं क्या सीन चलता है। अब तो वैसे ऑलमोस्ट केसेस इतने तो नहीं, आप के देखते हो न्यूज़ वाला टीवी पे? यस मैम, कभी कभार तो मैम, अभी तो नहीं और वो इतने केसेस कब वगैरह आपके बारे में बता रहे होते हैं, अभी इतने केसेस नहीं हो रहे हैं। अच्छा जी, बाकी स्टूडेंट्स तो आ ही नहीं रहे, लेट्स स्टार्ट लेक्चर या वेट करें उनका? तो मैंने कहा हम देख लें। आपका क्विज मैंने किस दिन अरेंज किया हुआ है? ट्यूसडे, कल का कहा हुआ है मैंने क्विज का, ब्लड पूरी करके वो हो चुका है, ब्लड का हो नहीं चुका है, ब्लड का हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक अभी रहते। वैसे आप लोगों के लिए हमें मैसेज भी मिला था मैम साथिया की तरफ से कि जैसे ही स्कूल स्टार्ट होंगे ना, तो एक वीक गुजारने के बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें आपके मंथली टेस्ट शुरू होने हैं, मतलब जितना आपने पढ़ा है ना ये ऑनलाइन क्लासेस में उसके टेस्ट आने हैं। सो वी गेट रेडी फॉर इट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, आज लेट हो गए आप 5 मिनट्स। जी मैम, वो मेरी एंट्री नहीं मिल रही थी। ये बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं छोटे छोटे ना चीजें सारी। ओके जी स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रही थी कि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, तो देयर विल बी मंथली टेस्ट ऑफ योर्स। ओके, ये मैसेज था मिस सादिया ने कल हमें कहा था कि टेल योर स्टूडेंट्स अबाउट मंथली टेस्ट्स। एक तरह से असेसमेंट्स आएंगी आपकी जैसे ही आपके स्कूल स्टार्ट होंगे, आफ्टर अ वीक, एक हफ्ता गुजारने के बाद आपके असेसमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, मूव ऑन टुवर्ड्स लेक्चर। वी हैव स्टार्टेड द ब्लड वेसल्स एंड देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं ब्लड वेसल्स की, यू विल टेल मी। साथ आप बताएंगे व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स। मैम, आर्टरी, यस, वेन एंड कैपिलरीज। यस, आर्टरीज, आर्टरीज के बाद आप नाम लो कैपिलरीज का एंड देन वेन्स, बिकॉज दिस इज द कनेक्शन। कैपिलरीज इज बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। एंड हमने देखा था कि आर्टरीज जो हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट से ब्लड लेकर बाकी तमाम बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको ब्लड देती हैं, पहुंचाती हैं उन तक। ठीक है, एंड इट कैरीज, कौन सा ब्लड होता है इसमें, ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड होगा जो कि हार्ट से लेकर ये तमाम बॉडी के पार्ट्स को देंगी? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक आर्टरी हमारी बॉडी में ऐसी है विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका नाम पल्मोनरी आर्टरी। वेरी गुड, पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड लेकर जाना है लंग्स की तरफ फॉर प्योरिफिकेशन, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करवाने के लिए। इसलिए सिर्फ एक वाहिद ऐसी आर्टरी है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द लंग्स। दिस कम्स इन एमसीक्यूज वेरी फ्रीक्वेंटली, तो इसको आपने याद रखना है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा जी, आर्टरीज का हमने देखा था कि आर्टरीज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स एंड इट्स नेम इज आर्टरियोल्स
एंड आरटीओज आगे से डिवाइड हो जाती है फर्दर इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस एंड दिस ब्रांचेस आर नोन एज कैपिलरीज. आयान इज देयर इन द क्लास नाउ? Yes, Ayan, can you hear me? Ayan, आवाज आ रही है आपको बेटा? Okay, ताहा बेटा, you read the capillaries. हमने arteries के बारे में information ले ली थी कि arteries का function क्या है and what are the internal structure of arteries. Arteries जो है वो basically three layers पे मिलकर बनी हुई होती है. उसके बाद हम आ जाते हैं, when arteries divides and redivides into smaller branches, they become capillaries. जी, capillaries जी, start कीजिए. Capillaries are the smallest blood vessels present in the tissue. They are formed by divisions of arterioles. The exchange of materials between blood and tissue fluid is carried out by two capillaries. The wall of capillaries are composed only a single layer of cells, endothelium. This layer is also thin, is so thin that molecules are of the digested food, oxygen, water, etc. can pass through them and enter tissue fluid. Water products such as carbon dioxide and urea can diffuse from tissue fluid into blood. Yes, जी, यहाँ पर अब क्या आपको information मिल रही है capillaries की कि they are the smallest vessels. They are very smallest blood vessels. And they are directly attached with our tissues and cells. ये जो capillaries हैं, ये हमारे tissues के साथ directly attached हैं. And they are single celled thin, इतनी बारीक होती हैं कि इन capillaries के अंदर जो blood flow करेगा, उसका जो oxygen होगा, वो सारी की सारी oxygen हमारे tissues को और cells को मिल जाएगा. ये आपको इन्होंने enlarge करके भी दिखाया हुआ है. You can see this magnified diagram. कि किस तरीके से जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो, ये देखिए बिल्कुल उसकी उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है कि इंडोथेलियम इज सिंगल सेल थिन, बहुत ही बारीक है. ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज हो जाएगी हमारे टिश्यूज में और टिश्यूज की जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इन रिटर्न वापस ब्लड में आ जाएगी. ठीक है, तो सारी की सारी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो इस लेवल पर होता है, कैपिलरीज के लेवल के ऊपर. अब यहाँ पर क्या होगा, जब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से निकल के टिश्यूज में चली जाएगी और टिश्यूज की कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में वापस आ जाएगी, ब्लड विल अगेन बिकम डीऑक्सीजनेटेड. ब्लड दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होगा और अब कैपिलरीज विल ज्वाइन अगेन. दोबारा से देखिए कैपिलरीज इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी एंड दे विल चेंज इनटू द वेन्यूल. वेन्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स. वेन से पहले की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें वेन्यूल्स बोला जाता है और इनके अंदर सारे के सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आस्ता आस्ता कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है जी, आर यू गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? यस मैम. आमना इज नाउ प्रेजेंट इन द क्लास? अस्सलाम वालेकुम मिस. Okay, Aisha beta, what are the function of capillaries? Aisha, hello. Aisha, can you hear me? आपको आवाज आ रही है मेरी? Hello, ma'am. Ma'am, तो? Ma'am. आप आपकी आवाज कट रही है. जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कैपिलरीज का हमने भी रीड किया तो क्या फंक्शन मैंने आपको बताया, कैपिलरीज क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जब ब्लड उनके अंदर से फ्लो करेगा? मैम दे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड इज कैरीड आउट थ्रू कैपिलरीज. क्यों ऐसे होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स और जो भी गैसेस हैं वो इस कैपिलरीज के लेवल पे क्यों एक्सचेंज हो रहा है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन? देखिए ना, ब्लड तो इसमें भी फ्लो कर रहा है आर्टरी में, ठीक है, लेकिन पीछे तो कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो सका.
इस लेवल पे आके कैपिलरीज के लेवल पे आके ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या रीजन हो सकती है? साथ आप बताओगे व्हाट इज द रीजन फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन कैपिलरीज? एक दफा क्वेश्चन दोबारा बता दें। मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज द रीजन ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन द ब्लड कैपिलरीज एंड द टिश्यूज, क्या रीजन है? हालांकि ब्लड तो पीछे भी फ्लो कर रहा है ना, आर्टरीज में भी तो ब्लड था, लेकिन इस लेवल पे किसी किस्म का एक्सचेंज नहीं हुआ। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हैपन इन द कैपिलरीज एंड द टिश्यूज, तो क्या रीजन है, क्या डिफरेंस है कैपिलरीज का और आर्टरीज का? मैम आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी के पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो तो ठीक हो गई बात, मैं जस्ट पूछ रही हूँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स वो कैपिलरीज के लेवल पे क्यों हो रहा है, क्या रीजन है? ताहा आप बता सकते हैं? मैम क्योंकि कैपिलरीज वेन तक कैरी कर रही हैं ब्लड। क्या कैरी कर रही हैं? कैपिलरीज ने आगे वेन को ब्लड देना है। देना तो है लेकिन दरमियान में एक्सचेंज क्यों हो गया? ऑक्सीजन एक्सचेंज हो गई ना विद द टिश्यू, तो रीजन क्या थी इसके अंदर, क्या स्पेशल बात है कैपिलरीज के अंदर के ब्लड की जो मैम इसमें एंडोथेलियम सेल्स हैं। एंडोथेलियम सेल्स हैं, इट्स अ सिंगल लेयर्ड ट्यूब, जो कैपिलरीज हैं वो बहुत ही बारीक हैं, इतनी बारीक हैं कि ये सेल के लेवल तक पहुंच चुकी हैं। इट्स अ सिंगल लेयर्ड ट्यूब, बात क्या है यहाँ पे, खास स्पेशलिटी क्या है कैपिलरीज की कि बहुत ही बारीक ट्यूब्स हैं और इधर से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इजीली हो रहा है। इनकी जो बॉल की जो मोटाई है ना वो बिल्कुल सिंगल लेयर रह गई है, एक सेल पर बेस कर रही है इनकी बॉल की जो थिकनेस है। अब इतनी पतली है इनकी बॉल्स, इतनी बारीक हैं कि बड़े आराम से ब्लड की जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल सकती है थ्रू डिफ्यूजन। देखो ना जैसे ऐसे ही समझ लें आप कि एक मोटी छलनी होती है और एक बारीक छलनी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इधर इतनी बारीक इसकी दीवार है कि बड़े आराम से बारीक सा पर्दा है, तो बारीक पर्दे के आर पार चीजें आराम से मूव कर सकती हैं, लेकिन आर्टरीज की जो वॉल्स हैं उनकी जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी हैं, मोटी दीवार के आर पार नहीं गुजरा जा सकता, ब्लड सेल्स इनके आर पार क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन ब्लड कैपिलरीज जो हैं, कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं उनकी दीवारें बहुत बारीक हैं, बड़े आराम से ब्लड के जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ जा सकता है और बाहर का मटेरियल अंदर की तरफ मूव कर सकता है। अब कुछ क्लियर हुआ ये पॉइंट आप स्टूडेंट्स आप सबको कि नहीं? यस मैम। जी आयशा आपको? जी मैम। अमना व्हाट अबाउट यू? यस मैम। ओके मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वेन्स। आयान बेटा आपको आवाज आ रही है? आर यू इन द क्लास आयान? आयान तो मुझे लग रहा है पता नहीं इनको आवाज नहीं आ रही मेरी, आज कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से मैम उसका माइक का मसला है। ओके ओके आमना यू रीड द नेक्स्ट वेन्स। अब जब ब्लड कैपिलरीज में से क्रॉस मैसेज कर रहा है आप मैसेज कर रहा है चैट। अच्छा अच्छा जी आमना यू रीड द नेक्स्ट टॉपिक वेन्स के वेन में क्या होगा। इज द ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। इन एडल्ट ऑल वेन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि एक तो ये कि वेन्स ब्लड किस तरफ लेकर जाती हैं, इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ये याद रखना आपने आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस क्या है। आर्टरीज जो है ब्लड को अवे लेकर जाती हैं हार्ट से, लेकिन वेन्स ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती हैं। दोनों का जो रूट है ना, दोनों का रास्ता एक दूसरे से ऑपोजिट है। और सेकेंडली इसके अंदर क्या बात उन्होंने बता दी, इसके अंदर हमेशा गंदा खून होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वेन्स के अंदर हमेशा, लेकिन एक एक्सेप्शन है वो कौन सी, पल्मोनरी वेन, ऐसी वेन जो कि साफ खून लेकर दोबारा वापस हार्ट की तरफ लेके आ रही है, उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। ओके जी रीड द नेक्स्ट। वेन्स आर आल्सो वेल एडेप्टेड
to their function, the walls of vein are composed of the same three layers as are present in artery wall, with the difference that the middle layer of vein has less smooth muscles and elastic tissue as compared to artery. So the middle layer of vein is comparatively thin. The lumen of the vein is broader than that of arteries. Yes, you can see this picture. यहाँ पे आप आर्टरी की डायग्राम भी देख सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो सी द डायग्राम ऑफ वेन. आप देख सकते हो जस्ट लाइक आर्टरी, जैसे कि आर्टरी में थ्री लेयर्स मौजूद हैं. आर्टरी की वॉल इज कम्पोज ऑफ थ्री लेयर्स, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर. उसी तरह से वेन में भी थ्री वॉल्स ही मौजूद, थ्री लेयर्स ही मौजूद हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर. डिफरेंस कहाँ पे नजर आ रहा है आपको कि जो आर्टरी की जो मिडल लेयर है दैट इज थिक, जरा मोटी है एज कम्पेयर टू द मिडल लेयर ऑफ द वेन. इसकी वेन की जो मिडल लेयर है वो जरा बारीक है. इसी वजह से जो वेन का जो ल्यूमन है उसके अंदर का जो सुराख है वो जरा मोटा है, लेकिन आर्टरी का जो ल्यूमन है, आर्टरी के अंदर जो सुराख है पाइप का, वो जरा पतला है. इसका जो ल्यूमन, ल्यूमन बोलते हैं जो अंदर सुराख है, जो उसकी मोटाई है अंदर जो खाली जगह है पाइप की, दैट इज smaller in the artery but it is broader in the vein. ये इन दोनों के अंदर difference आप देख सकते हो, ठीक है? You can see the difference in artery and the vein. Yes, Aisha, what is the difference in artery and the vein? इन तीनों की जो बताएंगे क्या description है इनकी layers की? मैम ये दोनों almost same होती हैं, लेकिन difference सिर्फ यहाँ पर आता है इनका lumen जो है ना, vein का lumen जो है वो थोड़ा बड़ा होता है. अच्छा जी, आगे एक और डिफरेंस भी आपको नजर आ रहा है ल्यूमेन के अंदर. आपको कुछ ये राउंड कलर के ये आर्क लाइक शेप नजर आ रही है. These are the valves. ये valves हैं जो कि artery के अंदर मौजूद हैं, sorry vein के अंदर मौजूद हैं, लेकिन artery के अंदर ऐसे कोई valves नजर नहीं आ रहे आप, ठीक है? This is another difference in artery and the vein. कि artery में कोई valves मौजूद नहीं होते, लेकिन vein के अंदर valves मौजूद होते हैं. अब valves का क्या काम होता है? Valves are just like guards. Blood एक दफा flow कर जाता है ना, तो वेल्व्स का काम है कि ब्लड को वापस आने से रोकते हैं, ठीक है? तो वेन्स के अंदर जब ब्लड फ्लो एक दफा एक वेन के अंदर से अगर ब्लड गुजर चुका है तो ब्लड वापस कभी भी नहीं आएगा, हमेशा आगे की तरफ उसको फ्लो करवाया जाएगा. और अगर वापस आने की कोशिश करेंगे तो वेल्व्स जो है उनका रास्ता रोकेंगे, उनको वापस नहीं आने देंगे, ठीक है? जबकि आर्टरी में किसी भी तरह का वेल्व मौजूद नहीं होता. The tissue capillaries join to form small venules which join to form veins. Most veins have flaps called valves that prevent the backflow of blood. जी, अब इसकी रीजन क्या है? ये उन्होंने कहा कि कैपिलरीज जब ज्वाइन करती हैं तो वेन्यूल्स बनाती हैं. वेन्यूल्स ये वाली छोटी वाली वेन्स, जब छोटी वाली वेन्स मजीद ज्वाइन करेंगी तो वो वेन्स बना देंगी. और उन्होंने आगे बताया कि वेन्स के अंदर वेल्व मौजूद होता है. अब कोई बच्चा सोच के बता सकता है क्यों आर्टरी के अंदर वेल्व मौजूद नहीं है लेकिन वेन्स के अंदर वेल्व मौजूद है? कैन एनी स्टूडेंट थिंक अबाउट इट, कैसा क्यों है? क्यों आर्टरी को जरूरत नहीं है बैक फ्लो की लेकिन वेन के अंदर ब्लड बैक फ्लो हो सकता है, वापस जा सकता है? कैन एनीबॉडी tell the reason of this? Ma'am, क्योंकि vein में तो deoxygenated blood होता है ना? हाँ जी. Pulmonary vein में. जी जी. और ये blood heart की तरफ जाता है, तो ये directly जाएगा अगर ये valve ना हो तो. Valve ना हो तो direct, अगर valve ना हो तो directly जाएगा. बेटा blood तो heart की तरफ directly ही जाना है. वेन्स के थ्रू सारे का सारा ब्लड हार्ट की तरफ तो जाना ही जाना है,
लेकिन यहाँ से ब्लैक बैकफ्लो होने का डर क्यों है वेन्स से, जबकि आर्टरी में बैकफ्लो का कोई डर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने कोई वाल्व नहीं रखे। अच्छा, इसकी रीजन मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, क्या रीजन है। आर्टरी का काम है हार्ट से साफ सुथरा खून लेके तमाम बॉडी को देना, अब जबकि वेन्स का काम क्या है कि तमाम बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वो वापस हार्ट में लेकर आना। अब आर्टरीज में क्या हो रहा है, आर्टरीज में बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड जो है ना, हार्ट बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के हार्ट ब्लड को आर्टरीज में फेंकता है, ठीक है, क्योंकि आर्टरीज एक ही वक्त में जो एओर्टा है जहां से ब्लड जा रहा है ब्लड बॉडी की तरफ, आर्टरीज वहां से ब्लड को तमाम बॉडी की तरफ एक ही प्रेशर के साथ तमाम बॉडी में मुख्तलिफ हिस्सों में फेंकने की जरूरत है। इधर इतना ज्यादा प्रेशर होता है ब्लड का कि वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर बैक फ्लो का कोई सवाल नहीं है और इसी वजह से वाल्व्स की जरूरत नहीं है। लेकिन वेन्स में तमाम बॉडी से आस्ते आस्ते ब्लड कलेक्ट हो रहा है और इकट्ठा हो रहा है वेन्स के अंदर, और यहाँ पर ब्लड का प्रेशर लो होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से इतना हाई प्रेशर है कि वापसी का चांस नहीं है। वेन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है और इसका देखो ल्यूमेन भी बड़ा है, बड़े मोटे पाइप में ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होगा तो मे भी ब्लड स्लो अगर मूव कर रहा है तो कुछ ब्लड वहां पे कहीं रुक जाए, स्लो हो जाए, वापस आने का उसमें चांस हो, इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने वाल्व रखे हुए बिकॉज देयर इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज स्लो इन द वेन्स एज कम्पेयर टू द आर्टरीज, ठीक है जी। दिस इज अ चार्ट, comparative chart of arteries, capillaries and veins. Ji, who will read this chart? Aisha beta, aap read karoge is chart ko, isme jo bhi humne upar jo points read kiye usko unhone ek chart ki help se show kiya hua hai. Yes Aisha, read these arteries, what is the difference in artery, capillary and vein? Ji ma'am, arteries carry blood from heart, their thickness and elasticity in walls. They are thick and elastic. Yes. Thick high BP, no valves. देखिए high BP बात आ गई. Muscles in the walls क्या है, इनके thick होते हैं, blood pressure क्या है इनका high, इनके अंदर blood pressure बहुत तेजी से flow करता है, so blood pressure इनका high होता है, and no valves. ये इसके basic points आ गए arteries के. बहुत बारीक होती है, वन सेल थिकनेस इनकी जस्ट वन सेल पे बेस करती है, नो मसल्स, ब्लड प्रेशर मीडियम and valves, no valves. कोई किसी भी तरह के valves इनमें भी नहीं होते क्योंकि इनमें भी blood pressure normal है. Okay, veins पे आ जाएं. Ma'am, carry blood towards heart. Thin and less elastic. ठीक है, बारीक होती हैं और इतनी लचकदार नहीं होती, ठीक है. Ma'am, इनके muscles की walls जो होती हैं वो thin होती हैं. ब्लड प्रेशर लो होता है इनके अंदर, ब्लड स्लोली मूव कर रहा है इनके अंदर, एंड देन वाल्व्स आर प्रेजेंट, वाल्व्स आर प्रेजेंट. ओके, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, आयान का माइक ठीक हुआ है कि नहीं, इन्होंने क्या मैसेज किया था, मैंने रीड नहीं किया, माइक का इशू बताया होगा इन्होंने. स्टूडेंट्स आज का आपका जो होमवर्क है ना, मैं पहले बता दूं, होमवर्क वैसे आप करते नहीं है एक्सेप्ट आयशा, नो वन डू द होमवर्क. कोई रीजन दे सकते हैं आप क्यों नहीं करते आप लोग होमवर्क, बस आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो और कुछ भी नहीं, काम क्यों नहीं कर रहे भाई? साद, ताहा, आमना, आयान, माइक इस आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आपको? जी मैम,
अच्छा, इसके अलावा और किसको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज गिव मी आंसर, रिप्लाई कीजिए। आमना, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मिस। एंड व्हाट अबाउट साद एंड ताहा? मैम यस वी कैन हियर यू। होमवर्क प्लीज सबमिट करवाते हैं स्टूडेंट्स आप लोग। मिस सादिया को मेरे ख्याल से मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी अब। मैम चलो बच्चे उस तरीके से नहीं जैसा क्लास होता है, नहीं चल रही वर्किंग तो चले, काम बहुत छोटा सा था लेकिन फिर भी बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है। और आयान ने भी अब कान देना बंद कर दिया, हालांकि पहले इतनी स्पीडीली काम करते थे। आयान बेटा आपको आवाज आ रही है? आयान तो आज पता नहीं कहाँ पे है। हम आज सबमिट कर देंगे। ओके एंड आमना व्हाट अबाउट यू? आयशा आपकी बात हुई थी मिस सादिया से फिर? जी मैम। क्या बात हुई थी, क्या काम है सादिया ने फिर? मैम उन्होंने कहा था आप स्पेसिफिक टीचर्स से जो है ना उनसे पूछें। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज हर टीचर से आप बात करो? जी मैम। अच्छा तो बात हुई आपकी कि जस्ट अभी आपने? तो मैम अभी सिर्फ आपसे पूछा है। और मैंने वैसे रिजल्ट क्विज का रिजल्ट लगा दिया था और अटेंडेंस हमारे ग्रुप में जा रही होती है, आप सबकी अटेंडेंस जो टीचर्स का ग्रुप है मैम सादिया वाला। तो अगर मैं एक्चुअली मुझे मैं सादिया ने कहा नहीं, अगर वो कहेंगी तो फिर मैं आपकी अटेंडेंस आपको शो कर दूंगी वहाँ पे, असाइनमेंट्स भी और अटेंडेंस भी। ओके मैम। जी आयान व्हाट आर यू सेइंग? अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज का जो आपका होमवर्क है दैट इज अबाउट दिस चार्ट, ठीक है? दिस इज अ कंपैरेटिव चार्ट ऑफ आर्टरीज कैपिलरीज एंड वेन्स। इसमें कंपैरिजन दिया गया है फंक्शन क्या है आर्टरी का और थिकनेस एंड जो भी डिफरेंट डिटेल्स हैं एक चार्ट की सूरत में है। यू हैव टू राइट डाउन दिस चार्ट। ओके मेक दिस चार्ट। जी बेटा पता चल गया आज के होमवर्क का सबको? यस मैम। ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसका मुझे लगता है अभी जस्ट इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल इसके डिटेल जो है वो हम फर्दर देखेंगे। दिस इज द जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक ओवरऑल प्लान बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो हमारा हार्ट है वो तमाम बॉडी के अंदर किन किन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड जो है वो सप्लाई कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। और आप हैरान होंगे अल्लाह ताला की कुदरत पे, नेचर पे, एक एक छोटा सा ऑर्गन है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर, जस्ट लाइक द साइज ऑफ आवर फिस्ट, क्लोज फिस्ट। और वो इतना मुश्किल, इतना इम्पॉर्टेंट काम करता है और इतने प्रेशर से ब्लड को सप्लाई करता है कि कहाँ दिल हमारा चेस्ट में मौजूद है लेकिन हमें ब्लड हमारे पाँव तक पहुँच रहा है, हमारे हाथों तक, हमारे दिमाग तक, मतलब कि कितनी दूर दूर एरिया कवर करके ब्लड जो है वो हमारे तमाम पार्ट्स तक सप्लाई किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस हार्ट। तो ये जो हार्ट का और जो ऑर्गन है इट इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग ऑर्गन ऑफ आवर ब्लड, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो एक ये ऑर्गन है हार्ट, इट्स वेरी एफिशिएंट ऑर्गन, ये इतनी ज्यादा एफिशिएंसी से ये काम करता है और ऑल द टाइम हर वक्त ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के लिए रुक जाए। अगर हार्ट रुक जाए तो इसका मतलब है हमारी जिंदगी भी स्टॉप हो जाएगी। तो इट विल नेवर स्टॉप वर्किंग और बहुत ही एफिशिएंटली और हार्ड वर्किंग तरीके से ये काम करता है और इतने प्रेशर से ब्लड हमारी बॉडी के में थ्रो करता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, तमाम पार्ट्स तक हम ब्लड जो है वो पहुँचता है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा आपकी बॉडी का कोई पार्ट कभी सुन हो जाता है, बिल्कुल सो जाता है,
तो क्या वजह होती है कि वहां पे हमारी बॉडी का वो जो पार्ट है वो सो गया कि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती। जिस समटाइम्स होता है ना आप किसी एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो तो उस जगह पर ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं होता ड्यू टू वेट, मतलब आपने अपने पाँव को इस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है कि वहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा। तो जिन जिन पार्ट्स पे ब्लड कुछ देर ना पहुंचे वो वाले पार्ट्स बिल्कुल सुन हो जाते हैं और बहुत ज्यादा वो काम ही नहीं करते। फिर आस्ते आस्ते जब वहाँ ब्लड फ्लो करता है तो फिर वो दोबारा से अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन विच सप्लाई ब्लड टू आवर बॉडी। जी साथ बेटा यू रीड दिस दिस पैराग्राफ स्टार्टिंग लाइंस ऑफ जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कहाँ से मैंने रीड करना है? जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मैम मैंने साइंटिस्ट से यहाँ से नहीं शो हो रही है। क्या शो हो रही है? नहीं शो नहीं हो रही है बेटा। यू डोंट हैव बुक विद यू? स्क्रीन और भी बच्चों बाकी स्टूडेंट्स को भी शो नहीं हो रही स्क्रीन? मैम हो रही है शो। साथ आपको बेटा क्यों नहीं हो रही? नेट इशू की वजह से। यस। जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसमें आप प्राउड फील करेंगे कि हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये प्लान दिया था। ठीक है William Harvey discovered the pumping action of heart and pathway of blood in major arteries and veins. Now yes. We will see how do the major arteries and veins make arterial and venous system respectively. जी कौन से दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन पर रिसर्च की और तमाम बॉडी की जितनी भी वेन्स और आर्टरीज थी उनका पता लगाया कि ब्लड कहाँ कहाँ से कहाँ पर सप्लाई हो रहा है। तो कौन से दो साइंटिस्ट हैं? इब्ने नफीस एंड विलियम हार्वे। इब्ने नफीस उनमें से पहले नंबर पर हैं। सबसे पहले इब्ने नफीस ने ये काम किया था। यू कैन सी दिस डायग्राम, ये देखिए, कैन यू सी दिस पिक्चर ऑन द स्क्रीन? Yes, ma'am. जी अब आप देख सकते हो कि हार्ट तो हमारी बॉडी के सेंटर में मौजूद है लेकिन वो कितनी कितनी दूर तक ब्लड को थ्रू आर्टरीज जो है वो पहुंचा रहा है। आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बाजुओं से गुजर के आगे हाथों तक जाएगा, बैक बोन से गुजर के नीचे लेग्स तक जा रहा है, हमारे ऊपर, हालांकि हार्ट नीचे है लेकिन ब्लड का फ्लो वो ऊपर की तरफ करवा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये तमाम काम इतनी एनर्जेटिकली हो रहा है कि हमारे ब्रेन तक भी ब्लड जो है वो सप्लाई किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आर्टरीज। आर्टरीज ब्लड को सप्लाई करेंगे और जब ब्लड में से ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल जाएगी तो सारे के सारी जो गंदा खून है वो वापस वेन्स के थ्रू, ये जो ब्लू ट्यूब्स हैं दीज आर फॉर द वेन्स, द ब्लू ट्यूब्स के थ्रू तमाम ब्लड वापस हार्ट में आ जाएगा अगेन। तो इस तरीके से हमारा जो जो हार्ट है इट वर्क्स एज ए डबल पंप। इसके समझो कि ये डबल पंप के तौर पे काम कर रहा है और इसके दो रास्ते हैं, एक है आर्टरीज का रास्ता और दूसरा रास्ता है वेन्स का। इसका इजी वे मैं वैसा सोच रही हूँ कि इनको टाइप करूँगी अलग से ताकि आपको इसकी लर्निंग इजी हो सके, बिकॉज देर आर डिफरेंट नेम्स। बेसिकली यहाँ पर हम डिफरेंट नेम्स देखेंगे आर्टरीज के। Students, inshallah, we will do it tomorrow. We will read the next और please अपना homework मुझे send कर दीजिएगा आज, okay? जी मैम। Okay.
आयशा भी सोई हुई आज, अयान भी मुझे लगता है सोए हुए क्लास में, एंड कहा भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। मैम मैं बोल तो रही थी। आयशा नहीं, आमना। आमना यस मैं बोल रही हूँ। जाग गई आमना। अल्लाह करे क्लासेस खत्म हो, ये ऑनलाइन में हम रेगुलर पढ़ना शुरू करें। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, मैं आपको सच बताऊं, सॉरी टू से। आपको कैसा लगता है वैसे ऑनलाइन क्लासेस? मुझे ऐसे तो बड़ा ही फोर्सफुली बच्चे आते हैं, मुझे ऐसी एक फीलिंग आती है, जो मजा आते हैं लेकिन आने को दिल नहीं करता। हाँ वही ना, जो मजा स्कूल में है वो इस तरह नहीं। मुझे तो ये अपनी मैं फीलिंग आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मजा स्कूल में पढ़ाने का है ना वो ऑनलाइन नहीं। चलें कोई नहीं, अल्लाह करे कि ये जल्दी जल्दी खत्म हो ये वाला सेशन। चलें जी, ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम। मिनट बंद कर दो। मैंने ओके कर दिया।